सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका कांत, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से और आप देख सकते हो मैं 9 बजे बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं आज गांव, ससुराल जा रही हूँ मैं, और किस लिए जा रही हूँ ये आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, ये बैग वैग भी तैयार हो गए हैं। लगा दिया, हम गाँव जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं रास्ते में। हस्बैंड जी जा रहे थे सब्जी वगैरह लेने, मैंने कहा पहले सब्जी वगैरह ले लो, उसके बाद तुरंत ऐसा होता है कि यहीं से हम बैग गाड़ी में अपने बच्चों की सैंडल ढूंढते हो। तो मैंने कहा हम आएंगे बैग लेके, फिर सब्जी लोगे, फिर आप लेके आ जाओ, फिर इधर ही ऐसे उल्टा आने के लिए। तो चलिए अभी हस्बैंड जी आएंगे, फिर मिलते हैं आपसे और आपको खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे दिखाते रहेंगे। उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। और अभी हम शॉर्टकट रास्ते से आए तो इसलिए जल्दी पहुंच गए हैं। बाकी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ गांव की तरफ जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। और बाकी हमारे हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं, मुझे भी आते तो कहीं कहीं मैं भी चला लेती। तो चलिए बने रहे हमारे साथ, खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हुए। सुबह तक तो मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी बारिश ना होने वाली होगी, लेकिन अब अच्छी सी धूप खिल गई है और ऊपर और लोगों ने अपनी गाय चराने के लिए भेज दी है। ये लोग भी आवारा वाली, कुछ पालतू है और कुछ आवारा भी है। ये देखिए, और यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं श्रीनगर के। ये देख सकते हो आप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे श्रीनगर और भी खूबसूरत दिखता है। चलिए जी, ये है खोला गांव, हम पहुंच गए हैं लगभग श्रीनगर, श्रीनगर से 8 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं हम। ये है खूबसूरत सी लोकेशन पे बसा हुआ खोला गांव। चले जी, हम श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर आगे आगे होंगे, खोला 8 था, यहाँ से 2-2.5 होगा। और यहाँ पे है द सिटी रेस्टोरेंट, मेरा फेवरेट है, जब इस रास्ते आते हैं हम यहाँ पे जरूर रुकते हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, यहाँ से आपको ना श्रीनगर का व्यू दिखाती हूँ आगे। ये देखिए ठीक सामने पे है श्रीकोट शहर, और सामने देखिए चौरास, पूरा चौरास, और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है श्रीनगर, अच्छा सा दिख रहा है यहाँ से। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ऊपर बनते थे पहले लेकिन यहाँ पे ऊपर साइड काम चल रहा है, तो यहाँ पे है फिलहाल द सिटी रेस्टोरेंट। और काफ़ी अच्छे मोमोज वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कुआँ बना रखा है, पहाड़ी कुआँ, और ये बाल्टी रखी हुई है यहाँ पे, और पहले करते थे गांव में यहाँ से कुएं से पानी निकाल के, लेकिन इसमें पानी नहीं है अभी, मतलब वो शो के लिए लगा रखा है कि काफ़ी सुंदर अपने पहाड़ की पहचान। बाकी यहाँ इस तरफ देख सकते हो आप, कद्दू की पूरी बेल लगा रखी है, हाँ इसमें छोटे छोटे कद्दू लगेंगे अभी क्योंकि, हाँ ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए अभी, हाँ अभी फूल के पीछे देखिए छोटे छोटे कद्दू अभी इतने से हैं, और ठीक सामने देखो कितनी बड़ी लौकी लगी हुई है। ये देखिए क्या खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पे, सुकून भरा माहौल है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है। और मिलिए हमारे हस्बैंड जी से, मेरे हमारे हमारे नहीं मेरे हमारे, अपने आप को भी इज्जत देनी चाहिए। तो कैसे लग रहा है आपको गांव जा रहे, बहुत टाइम हो गया, तो लगभग 6-7 महीने तो हो ही गए, हम अप्रैल में गए थे जैसा आप लोग को पता ही है। और एक अंदर भी है ऐसा कुछ बैठने के लिए, और दक्षु को चाहिए था बैठने के लिए झूला, एक है वो नीचे साइड है। कैसा लग रहा है दक्षु, है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, सो जाओ वहीं पे, सो जा सो जा। देखिए
यहाँ पे है चेयर, ये ऐसे लगा रखी है, और ठीक सामने है श्रीनगर का नज़ारा। तो मोमोज खाते खाते वहाँ नज़ारा इंजॉय कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसे मोमोज आ गए हैं, काफी ज्यादा मस्त बने हुए हैं। मम्मी मोमोज, ओए मोमोज खाने, निवाई 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 बेटा, निवाई बेटा। कैसे बने मोमोज? आई गाइस मम्मी मोमोज ज्यादा अच्छे, मोमोज दिखा दो, दिखाओ तो। ये मोमोज कैसे बने हैं बोल? मोमोज बहुत टेस्टी बने हैं बोल। चले जी, इस महीने घर गांव में आजकल खेती बाड़ी का काम लगा हुआ है, तो सभी लोग कोदा जंगोरा काटने में लगे हुए हैं। आजकल देखिए सुंदर से सीढ़ी नुमा खेत आजकल खाली दिख रहे हैं, और आजकल लोग घास वगैरह भी काट रहे हैं। देखिए गाइस कोदा, कोदे की खेती ऐसी वो है अभी, और नीचे देखिए उसमें सोंटे हैं और हरी मिर्ची भी बो रखी है, चौलाई भी है, तो सब चीज़ मिक्स करे हुए हैं इसमें। और उधर ठीक सामने एक मातृ शक्ति घास काट रही है, और इसको बोलते हैं हमारे गढ़ वाली भाषा में डरणा वो लगा रखे हैं, और वो भांग है, वो भांग भांग उस पर बीज होंगे, तो उसको कपड़े से हाँ बंद कर रखा है उसको कपड़ों से या किसी भी चीज़ से। और यहाँ पे देखिए केले का पेड़, और ऊपर साइड भी सभी लोग आजकल जोरों शोरों से काम काज पहाड़ों में चलता रहता है, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। जो भी चाची ताई लोग जो भी होते हैं, सासू जो भी है, तो सभी लोग लगे हुए रहते हैं काम में। आजकल तो खाना भी देर से खाते हैं लोग, क्योंकि खेतों में काम काजी इतना है। और इस साइड की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर किसी के घर रोड के नज़दीक हैं, और ये देखिए सोयाबीन ला रहे हैं, क्योंकि हर जगह रोड की सुविधा होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ आप लोग देख ही सकते होंगे इस साइड हर हर किसी के गांव, कुछ कुछ गांव हैं जो रोड से दूर है। देखिए कोटगी गांव, इस पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ देखिए चमकदार धूप खिली हुई है, और ठीक सामने देखिए अंधेरा हो गया है, और उस तरफ ऐसा लग रहा है अभी बारिश आएगी, पूरा पैक पैक होने लग गया है मौसम। और यहाँ तो धूप खिली हुई है, सुंदर सी धूप। गए हैं ग्वाड़ में, और यहाँ पे लेंगे हम समोसे, और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे समोसे मिलते हैं फेमस, तो चलिए लेते हैं यहाँ से। हम ग्वाड़ से आगे आए ना, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मैंने स्लीव कट पहना हुआ है, और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि क्यों ही पहना होगा मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अच्छा हुआ हस्बैंड जी ने बोला दक्षु के लिए सॉल रख लो, तो बढ़िया हो गया इसके लिए। ऊपर वाली रोड जा रही है सीधे खिरसुचो बट्टा के लिए, बाकी हम अभी नीचे वाली रोड पे है, ये श्रीनगर से जाती है। और यहाँ पे देखिए नए चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हम इस वाली रोड पे पूरे 1.5 साल बाद आ रहे होंगे, क्योंकि एक रोड जाती है वहाँ से जुगड़ी होके, आपको दिखाए हैं मैंने कई बार। ठीक सामने देखिए ये है वो क्या बोलते हैं खिरसु, स्कूल वगैरह हैं वहाँ पर सारे। और ये देखिए अब पहुंच गए हम यहाँ पे, और ठीक ये रोड जा रही है फिर से चौबट्टा के लिए, और न, क्या ले ना
चले जी, इस जगह का नाम है खिरसू बैंड, क्योंकि यहाँ से तीन रोड जाती है। ये ऊपर जा रही है खिरसू के लिए, चौबट्टा के लिए, वहाँ से कहाँ जाएगी, हाँ ये जा रही है श्रीनगर, और यहाँ से जा रही है हमारे गांव के लिए भी, और यही रोड जाती है सीधे खांकरा। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये देखिए बोर्ड लगा है कहाँ के लिए कौन सी रोड जा रही है। जी हम पहुंच गए थे घर पे, और हमारे चाय वगैरह सब हो गई है, और कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं, वो भी आ गए हैं अपने फुल फॉर्म में। हाँ और देखिए मौसम यहाँ का सुंदर सा, काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। श्रीनगर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बाकी आजकल गांव का माहौल किस इस तरीके का। अभी शाम को ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है, अभी धूप है तो सब लोग अपने अपने। और ये हमारा अमरूद का पेड़, इस टाइम इस पर अमरूद नहीं हो रखे हैं गाइस, बंदर वगैरह खाते हैं ये अपनी अंगूर की बेल। और ये लगा रखी है सासू जी ने छेमी, जो सब्जी होती है उसकी बेल, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे छेमी लगी हुई है। चलते हैं किचन की तरफ, चल आज गोरी आ जा गोरिया। चलिए हम चलते हैं किचन की तरफ। चलिए गाइस पहुंच गए हम लकड़ी वाले किचन में, यहाँ पे सासू जी बना रही है झंगोरा हस्बैंड जी के लिए, और ये है सासू जी। हेलो बोला, हेलो कैसे हो, ठीक है अनलो ना तुम दास तो बनना है तेरे हाँ। और यहाँ पे सासू जी ने दाल चढ़ा दी है, अभी सासू जी ढूंढ रही है झंगोरा, उनको पता नहीं भूल गए कहाँ रखा है। बोल घर में आके झंगोरा पफला ऐसा ही नहीं खाया तो क्या खाया नहीं, तो अभी वो ढूंढ रहे हैं, होता है ना वो बनाया नहीं होगा, कहाँ रखा है अभी ढूंढ रहे हैं। और ये साहब जी तो बैठे हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, ये तो देखिए ये है हमारा करेले का झाल, जिसको गढ़वाली ए देखूं ये हरी मिर्ची, इसमें मिर्ची लगी, ये बहुत तीखी है, वो बहुत तीखी। चल बैठ क्या बैठ, तुम्हारा झंगोरा भात। चलिए शाम के 6 बज गए हैं, और अभी हम चल जा रहे हैं घास बांधने सासू जी के साथ। सासू जी चली गई हैं और हम अब जा रहे हैं, जाएंगे हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए जी अभी हम आ गए हैं अपने खेत में, यहाँ का नाम है चौंगरी, अब हम जाएंगे खतरनाक कठिन रास्तों से। मारती हूँ मैं फाव को सजी भी नहीं घास होता हूँ जो। और ये देखिए हमारा इतना सारा घास है, सासू जी ने काट के रखा है, अब इसको बांधते हैं हम, और मेरे सोलार पर लगी कांड हुआ गाइस, इतना बड़ा घास हो रखा है हमारा, ये देखिए ऊपर हमारे सासू जी। हेलो बोलो, हाय करो हाय। इतना एज बंडी दिख रहा है ना। हाँ और ये घास काट के सुखाने के लिए डाल रखा है सासू जी ने, बाकी अभी हमने कुछ घास को बांधा, और यूँ घास से तो मोल डाला रोड में।
लगभग आधे खेत का घास बांधा होगा। और दक्षु अपने पापा के साथ चले गया है कुछ अभी दो तीन पुल्ली काट के घास गाय के लिए। और बाकी ये देखिए ये सुखाया हुआ घास है, ये हमने सुखा के यहाँ पे बांध के रख दिया है। बीटो तो चलो देख लो ला खेजा ले आज ना ना चल डाल चल। सासू जी है खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी के मतलब चलो चल आराम आराम चल ओ ये डाल ये डाल और बेटी हम आ गए हैं रोड में दीदी ना ना अब मैं पास में क्या बोले मैं ना ना मेमन हो जाएगा है उड़े तली तो देखे तो ये वाला तो चल सामने गॉड।